किडनी मानव शरीर में पाया जाने वाला एक अहम भाग, जो बॉडी में ठीक से काम न करे तो इससे आपको काफी हानि हो सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपनी किडनी को डिटॉक्स रखना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। इससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो आपको अपनी किडनी डिटॉक्स यानी साफ रखनी पड़ती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में, जहां हम आपको किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताने वाले हैं कि किडनी की सफाई करते समय किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड में हमारे कमेंट शाउट आउट जरूर एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। हमने आपसे कहा किडनी की सफाई करते समय, तो कहीं आप ये तो नहीं समझने लगे कि साबुन पानी सर्फ से आप किडनी की सफाई करेंगे। जी नहीं, किडनी की सफाई के लिए किसी प्रकार के साबुन या सर्फ की जरूरत नहीं, बस सही आहार और बेहतरीन जीवन शैली, इतना ही काफी है। ये एक प्राकृतिक उपाय है किडनी को अंदर से साफ करने का। इसके अलावा रोजाना 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं, और पानी पीने के बाद यूरिन लगने का एहसास हो तो यूरिन रिलीज करें। इससे किडनी के अंदर जमा गंदगी बॉडी से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा कच्ची हल्दी का पानी भी काफी फायदेमंद माना गया है, लेकिन कई लोग इसको भी अपना नहीं पाते और अपनी किडनी खराब कर लेते हैं। अगर आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है, उसको डिटॉक्स करना है, तो उसके लिए आप अपने आहार में कुछ बदलाव करें और आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। इसमें पहला है कुल्थी की दाल। इसको आप रात भर पानी में भिगा कर रखें और सुबह के समय इसका पानी खाली पेट पिएं। आप कच्ची हल्दी को पानी के साथ उबालकर इसको ठंडा कर लें, फिर इसका सेवन करें। ये भी आपकी किडनी को अंदर से साफ करने का एक आसान और सरल उपाय है। रोजाना अजवाइन का पानी भी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर आप इलायची और सौंठ के पाउडर को मिलाकर इसका सेवन करें तो ये यूरिन की परेशानी को दूर करता है, साथ ही आपकी किडनी को भी अंदर से साफ करता है। इसके साथ ही हींग और सेंधा नमक भी आपकी किडनी को साफ करने में काफी लाभदायक होता है। इसके लिए आप एक चुटकी हींग और एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर खाएं, और इसके ऊपर से आप एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। इससे आपकी किडनी अंदर से साफ होती है। इसके साथ ही आप मौसमी फलों का सेवन करें, और ऐसे फलों का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा हो। दोपहर के खाने में सलाद जरूर खाएं, जिसमें खीरा और गाजर का सेवन जरूर करें। सब्जियों में आप घी का जूस भी ले सकते हैं, ये भी आपकी किडनी को अंदर से साफ रखने में मदद करता है। रोजाना योग और व्यायाम भी आपकी किडनी को अंदर से साफ करने में मददगार है। आपको बता दें, हमने आपको जितनी भी रेमेडीज बताई हैं, आप सभी का प्रयोग एक साथ न करें। आप रोजाना एक एक करके इन्हें अपने जीवन में शामिल करें, और ध्यान रहे किसी को अगर इन रेमेडीज से कोई दिक्कत हो तो वो इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। किडनी के मरीज इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। तो ये है कुछ खास उपाय जो आपकी किडनी को अंदर से साफ रखने में मदद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सभी समस्याओं का समाधान मिलता है, और ये उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कर्मा आयुर्वेदा में आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहते हैं और पूरी तरह प्राकृतिक इलाज प्राप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मैं फिर आऊँगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जवाजी क्या दिक्कत हुई थी? उनको बहुत दिक्कत था, और इतना दिक्कत था कि दो आदमी पकड़ के जब लाया था, फिर दवाई खा के हम अच्छा हो गए। पहले 6 बोन था, अभी जो थे 1 बोन पे आ गए। दिखाओ रिपोर्ट। दिखाई ये पहले वाला है, इसके बाद वाली ये
जी।